जयपुर के विराटनगर इस बिलवाड़ी के जंगलों में गुटखा व्यापारी के मुनीम के साथ हुई 45 लाख रुपए की लूट के मामले का जयपुर ग्रामीण पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार आरोपी अर्जुन, उमेश, जनक और रोहित को इस पर गिरफ्तार किया और लूटी गई रकम में से 17 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। लूट की साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद व्यापारी का ड्राइवर ही निकला। पूरी वारदात को लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने एसपी शंकर दत्त शर्मा से की खास बातचीत। राजधानी जयपुर शहर के विराटनगर थाना इलाके के अंदर 45 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी, जिसका यहां पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने पर्दाफाश किया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है इसको जानने के लिए हमारे साथ यहां पर खुद एसपी शंकर दत्त शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह रहा पूरा घटनाक्रम और किन लोगों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था? ये 18 जून के शाम को 6 बजे के आसपास जो शाम एसोसिएट्स हैं उनका एक तो कलेक्शन एजेंट था, एक उनका ड्राइवर था, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी। ये लोग जयपुर से निकलते हैं, निकल के और महुआ, बांदीकुई, थानागाजी, अलवर कलेक्शन करते हुए जब थाना विराटनगर के बीलवाड़ी जंगल में पहुंचते हैं तो एक एल्टो गाड़ी के गाड़ी में चार पांच लोग सवार होते हैं। ये चार पांच लोग उनको गाड़ी को जबरदस्ती रोकते हैं, मारपीट करते हैं और 40 लाख से ऊपर एक राशि को बैग को छीन के ले जाते हैं। इस बात पर लूट की घटना दर्ज कम करते हैं और विशेष टीम राम कुमार कसवा एडिशनल एसपी जो कोटपुतली हैं उनके नेतृत्व में टीम बनाई जाती है, बना के और पूरे हम एफर्ट्स करते हैं टीम भावना से काम करते हुए, पूरे जिले की पुलिस को उसमें लगाते हैं हम लोग। और ये हमको मिलता है कि इसका जो ड्राइवर है जनक सिंह, इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ड्राइवर कंटिन्यूस उनको लोकेशन देता रहता है अपराधियों को और लोकेशन दे के वो उनको फॉलो करते हैं और चार लोग हमने अरेस्ट किया है, 17 लाख रुपए बरामद किए हैं, एल्टो गाड़ी बरामद कर ली है और इसमें मोटरसाइकिल भी काम में ली थी इन्होंने, उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया हमने। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लगातार कॉल किया जा रहा था और उनको बताया जा रहा था कि यहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद टीम को कामयाबी मिलती है। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए पकड़ पाना कहीं ना कहीं बदमाशों को बड़ा चैलेंजिंग है, जिसकी कोई आईडी नहीं होती है, कोई लोकेशन नहीं आती है, फिर कैसे कामयाबी? ये बिल्कुल सच है कि ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, क्योंकि बीलवाड़ी के जंगल में लूटना, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं होना और शाम के समय इनको लूटा जाना और साथ में बड़ी राशि का होना, जब सीडीआर वगैरह देखते हैं तो कहीं कॉल नहीं मिलता इनका, लेकिन हमारी मुखबिर सूचना है, इनके व्हाट्सएप जो कॉल किए उनके आधार पर और जो कंडक्ट था ड्राइवर का उसको देखते हुए और जो जहाँ जहाँ से इन्होंने कलेक्शन किया वहाँ वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखे हमने और मेहनत, कड़ी मेहनत करके जयपुर ग्रामीण पुलिस की टीम ने इसमें सफलता प्राप्त की है जो वास्तव में प्रशंसनीय है। सर, कितने लोग और हैं पूरे गिरोह के अंदर, कितने लोगों ने साजिश की थी पूरी लूट की? इस गिरोह में कम से कम 7 लोग शामिल है जो अभी तक अनुसंधान में सामने आया है। 4 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, 3 को शेष है और बाकी अभी अनुसंधान और किया जाएगा और पता किया जाएगा, और भी यदि कोई लोग शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इनके खिलाफ कोई और आपराधिक मुकदमे हैं चारों के खिलाफ है, या फिर इन्होंने पहली बार ही इस घटना को अंजाम दिया है, और अगर दिया है तो क्या वजह रही है? नहीं, अभी तक जो हमारे पास में तथ्य सामने आए हैं उनमें फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज इनके खिलाफ नहीं पाया गया, लेकिन अब हम अनुसंधान कर रहे हैं, पता कर रहे हैं इनका कि इनका पूर्व आचरण क्या रहा है। वैसे ये लोग 20 से 25 वर्ष की उम्र के लोग हैं जो इसमें शामिल हुए हैं और इनका ड्राइवर जो उत्तराखंड का रहने वाला है वो इसमें शामिल है, एक अर्जुन बर्मन है जो बंगाली है वो इसमें शामिल है जो कि इन्हीं श्याम एस्टेट्स के यहाँ हेल्पर का काम करता है और बाकी इनके फ्रेंड्स हैं, तो उनमें हम आगे अनुसंधान कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये थे शंकर दत्त जो थे जयपुर ग्रामीण के एसपी हैं, बता रहे थे कि बेसिकली तमाम जो लोग हैं, जो गिरफ्तार किए जो लोग हैं, ये लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार थे और इस बेरोजगारी के दौरान ही इन सभी बदमाशों ने मिलकर के जो व्यापारी है उसको लूटने की योजना बनाई और उसी योजना के तहत इन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मगर कहते हैं कि जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपराधी है क्लू छोड़ देता है, वही क्लू इनकी पूरी पुलिस टीम को मिला और उसके बाद सभी बदमाशों को यहाँ पर पुलिस की टीम ने अरेस्ट कर लिया। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादवेंद्र शर्मा, एवन टीवी न्यूज जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।